ये यहाँ पे लगता है ये पंखे का ही है टॉप। हाँ ये पंखे का देखिए, ये सब कास्टिंग हो के तरह तरह के मॉडल के लिए बॉटम। वहाँ जो हम लोग 20-21 मॉडल देख रहे थे ना, ये सब, ये भी क्या, ये किस चीज़ का है? ये भी फैन है। ये फैन है? हाँ, BLDC फैन के लिए कास्टिंग है। अच्छा, ये बॉटम है। हाँ बॉटम है। हाँ ये बॉटम है, इसका टॉप आगे है उधर। ये कितना वेट होगा एक का? इसका 500 ग्राम का। आधा किलो? आधा किलो। बाप रे, बहुत हेवी हो गया। ये देखिए टॉप है, ये टॉप है, इसका ये बॉटम है और इसका टॉप है, पूरा सेट होता है। उसी बॉटम का ये टॉप टॉप है। वाह, इसका भी वेट, ये कितना वेट होगा? 250 ग्राम से ज़्यादा लग रहा है। नहीं, इसका है 380 ग्राम। 380 ग्राम का टॉप है जी। अच्छा, हाँ हेवी। देखिए ये सब बॉटम है पंखे का। ये दूसरा मॉडल है, ये दूसरा मॉडल है। इसका भी कितना वेट होगा? इसका है 290 ग्राम। ये भी पंखे का बॉटम है। ये इसी का बॉटम है। ये कितना वेट होगा इसका? ये भी 270-280 ग्राम के आसपास है दोनों। अच्छा अच्छा, ये यहाँ का क्या, ये सुजाता कंपनी के लिए बन रहा है क्या? हाँ सुजा, ये दूसरे ब्रांड के लिए बनता है। दूसरे ब्रांड के लिए बन रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए तरह तरह का यहाँ पे टॉप बॉटम, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के लिए काम हो रहा है। ये उसका पूरा प्रोडक्ट है। ये इसका टॉप है, ये बॉटम है, ये इसका टॉप है। ये बॉटम का टॉप ये है। वाह, इसके बाद ही हमारा CNC प्रोसेस होता है। यहाँ CNC लेथ मशीन कहा जाए इसको? नहीं नहीं, CNC टर्निंग मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन है। टर्निंग मशीन है। इसमें 5 माइक्रोन में हम रोटर इसका बेयरिंग साइज मेंटेन करते हैं। 5 माइक्रोन में इसका कुछ डिटेल और बताइए, ये क्या काम होता है टर्निंग, मतलब क्या चीज़? इसका जो एक्स्ट्रा जो अपना रोटर साइज होता है, हाँ, उसके हिसाब से और बेयरिंग IT मेंटेन की जाती है। अच्छा, ओ यानी ये काम आपकी? हाँ ये, हाँ ये रोटर फिक्स होता है यहाँ पे। हाँ, उसकी डायमेंशन के हिसाब से इसकी मशीनिंग की जाती है। हाँ, और ये बैरिंग फिटिंग होती है, बैरिंग रेस्ट पॉइंट। ये काम भी यही किया? हाँ ये भी यही कर, ये दो ऑपरेशन किया ये? हाँ दो, एक बैरिंग दो, और ये ऊपर से जो फेस है ना इसका कट होता है। इसका फेसिंग भी, तीन ऑपरेशन हुआ? ऑपरेशन, एक बैरिंग का हुआ, एक रोटर का हुआ और एक फेस, और एक फेसिंग हुआ। हाँ जी, और ये जो भी हुआ ये कंप्यूटराइज्ड हुआ? ये हाँ, ये प्रोग्राम बना था, प्रोग्राम बना हुआ है। यानी एरर की गुंजाइश कितनी होगी इसमें? 5 माइक्रोन में हमको मेंटेन कर रहे हैं। 5 माइक्रोन तो दिखाई भी नहीं देगा लोग को, बताइए 5 माइक्रोन। वाह, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। यहाँ भी वही, ये तो लेथ मशीन लग रहा है, ये वही काम है? ये उसका ये उधर बॉटम था, उसका टॉप है। अच्छा, अब ये टॉप है उसका। देखिए यहाँ भी बेयरिंग का काम हुआ, रोटर का काम हुआ, और ये फेसिंग हुआ, और ये हो गया ये टॉप बॉटम। पूरा लगा के दिखाइए तो सेट। अच्छा, ये कौन सा पंखा है इतना छोटा? ये BLDC पंखा है, केंट के लिए बनता है। अच्छा, केंट कंपनी के लिए बनता है ये। हाँ। BLDC देखिए, राहुल जी का रॉ मटेरियल बड़ी बड़ी ब्रांड को जाता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये टेस्टिंग भी हम यहाँ पे करते हैं इसकी। अच्छा, टेस्टिंग भी यहीं करते हैं इसकी। एक मिनट, ये जो 5 माइक्रोन हम बता रहे थे ना, यहाँ पे चेक करते हैं इसको। कैसे चेक करते हैं? तो अपना APG गेज लगा हुआ है उसके थ्रू। अच्छा अच्छा, एक हमको चेक करके बता सकते हैं भाई कैसे चेक करते हैं? अच्छा, परफेक्ट है एकदम। हुआ, सबसे बड़ी खासियत है राहुल जी के काम में कि जितना काम करते नहीं उससे ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं। परफेक्शन यहाँ से आता है, 100% टेस्टिंग। देखे ना, BLDC के लैब में जो पंखे का यूनिट है वहाँ लैब ही लैब बना हुआ है। ये देखिए, तरह तरह के ब्रांड के लिए टॉप बॉटम सब यहाँ बन रहा है। इतना बड़ा इनका काम है, बड़े बड़े ब्रांड के लिए ये सब, BLDC के लिए। वही जो वहाँ पे कास्टिंग भी यहीं पे है, पूरा मशीनिंग का काम भी है, और सारा यहाँ पे ड्रिलिंग सेक्शन है। ड्रिलिंग टैपिंग भी इधर ही होता है। हाँ हाँ, ड्रिलिंग टैपिंग देखिए,
यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ ड्रिलिंग का काम चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है। देखिए यहाँ भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। यहाँ महिला शक्ति है। देखिए तरह तरह का ड्रिलिंग का काम सब चल रहा है, सारा ऑपरेशन सब है ड्रिलिंग का। ये सारा ए ग्रेड अल्मीनियम है, जिसको बोलते हैं ना टॉप क्वालिटी अल्मीनियम। और यहाँ इसके पे बाद ये बफिंग के लिए जाता है। अच्छा बफिंग, हाँ बफिंग अंदर होता है। हाँ बफिंग भी यहाँ पे। क्या ब्रेक शू का काम चल रहा है ना। हाँ ये देखिए बफिंग, यानी इसके बाद सीधा पाउडर कोटिंग हो जाएगा। ये बफिंग हो रहा है। देखिए बफिंग होने के बाद अब इसमें सीधा केमिकल का ट्रीटमेंट कीजिए, और ट्रीटमेंट जो भी आपका 7 टैंक 9 टैंक या 3-in-1 कोई भी ट्रीटमेंट करना है, और इसको बफिंग कर देना है। ये कंप्लीट पाउडर कोटिंग के लिए रेडी है ना। यहाँ भी देखिए बफिंग का काम चल रहा है। वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। फाइनल इंस्ट्रक्शन के लिए जाता है। देखिए पूजा मेटल का टेप लगा हुआ है, मटेरियल रेडी है डिस्पैच के लिए, और उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन हुआ, माल पैक हुआ। देखिए यहाँ पे पैकेजिंग का काम चल रहा है। ये सुजाता ब्रांड है, ये उसका पैकेजिंग है। यहाँ पे इंस्पेक्शन का काम मैडम कर रही हैं, अगर कोई भी एरर होगा तो मार्क लगा देंगी, वो फिर से वापस चला जाएगा। ये पास हो गया, अब ये पैक होगा। बहुत बढ़िया। यहाँ भी देखिए यहाँ पे हैवेल्स का डिस्पैच एरिया है, बड़े बड़े ब्रांड के लिए काम हो रहा है। यहाँ भी वही है कि अगर इंस्पेक्शन में किसी तरह का एरर मिला तो सीधा वो वापस रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होगा तो जाएगा कहाँ, वापस वो रिसाइकिल हो जाएगा। हाँ और उसके बाद वो रिसाइकिल हो जाएगा। रिसाइकिल सोचना क्या है, फिर से अपना ही सब कुछ है, गल जाएगा फिर से बन के चला आएगा। लेकिन कोई भी सब स्टैंडर्ड माल यहाँ से पास नहीं हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड की इज्जत का सवाल है ना। हाँ वही सब काम यहाँ पे ब्रेकसू का, ब्रेकसू की फैटलिंग। हाँ अच्छा ये हीरो कंपनी का, देखिए साफ लिखा हुआ है हीरो। चलिए बहुत अच्छा लगा राठी साहब। ब्रेकसू की हम पैकिंग भी स्टैंडर्ड करके रखते हैं आज। अच्छा वो भी दिखाते हैं आप। दिखाइए भाई। हाँ ये हम कास्टिंग को वेट करके देते हैं ब्रेक शू का। हाँ एक तरह का वेट कर रहता है। चलिए बहुत अच्छा लगा राठी साहब कारखाना देख के, मन एकदम खुश हो गया। पता चला कि बेस क्या है, आधार कैसा है,
और जब आधार इतना मजबूत होगा तो बड़ा से बड़ा इमारत बनते चलेगा। नमस्कार, जय हिंद।